तो आज की कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हमने कुछ ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए जिसने हमारे इस दिन को और भी मजेदार बना दिया। तो आज हम जाने वाले हैं कांचन वाटरफॉल, बट आज मैं अकेली नहीं जाने वाली हूँ। मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स हैं, नीलेश और राहुल। तो ये यहाँ के लोकलाइट है और उन्होंने मुझे बताया है कि कांचन वाटरफॉल तो हम जाएंगे, बट वहाँ पे और भी दो सीक्रेट प्लेसेस है जो मुझे भी नहीं पता है, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मिल लेते हैं राहुल और नीलेश से। तो ये है राहुल और ये है नीलेश, जो आज के सफर में हमारे गाइड होने वाले हैं। फिर हम चल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि अम्बेहद ब्रिज की तरफ। अगर आप मुंबई या फिर पुणे से यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको पहले जुन्नर गांव में आना पड़ेगा और जुन्नर गांव से आपको अम्बेहद ब्रिज गांव आना पड़ेगा। अम्बेहद ब्रिज गांव जुन्नर से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये जो वाटरफॉल हम जा रहे हैं अभी कांचन वाटरफॉल, तो ये अम्बेहद ब्रिज गांव में ही है। जैसे जैसे हम इन रास्तों से आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फोन से नेटवर्क भी गायब होने लगता है। फिर इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से हंसते खेलते हम आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में राहुल और नीलेश की शैतानियां चलती रहती है जिससे एंटरटेनमेंट की कोई कमी महसूस नहीं होती। यहाँ से हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि राहुल अचानक से गाड़ी रोक लेता है और जैसे ही हम गाड़ी से उतरते हैं तो हमें दिखाई देते हैं सिर्फ पत्थर। तो राहुल ने बीच में ही गाड़ी रुका दी है और यहाँ पे कुछ दिखाने वाला है, तो देखते हैं। वो आगे चल रहे हैं दोनों, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो इन सारे पत्थरों में से कुछ पत्थर यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं। इन पत्थरों को लिथोफोनिक स्टोन्स भी कहा जाता है। इन पत्थरों को बजाने पर हमें किसी बेल की तरह आवाज सुनाई देती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पत्थरों में आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। रास्तों में इन व्यूज को एंजॉय करते हुए हम चल ही रहे होते हैं कि बीच रास्ते में हम फिर से रुक जाते हैं। यहाँ पर चावल की खेती ज्यादा की जाती है और ये लोग भी यहाँ पर खेतों में चावल लगा रहे होते हैं और शायद मैं भी ये कभी ना कभी करना चाहती थी। फिर मैं अपने जूते उतार देती हूँ और उनको हेल्प करना शुरू कर देती हूँ। ये मुझे बहुत प्यार से वेलकम करते हैं और चावल को कैसे लगाते हैं ये भी समझाते हैं और हंसते खेलते मैं ये काम पूरा कर ही रही होती हूँ कि इनका टी ब्रेक हो जाता है। इनकी पोलाइटनेस और मेहनत मेरा दिल जीत लेती है और शायद यही वो किसान है जिनकी मेहनत से हमें दो वक्त का खाना नसीब हो पाता है। तो इनके लिए दिल में रिस्पेक्ट लेकर मैं इन्हें अलविदा कह देती हूँ और बस कुछ ही पल में हम पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम कांचन वाटरफॉल पहुँच गए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो, और ये हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये भी एक पहाड़ है और इन दोनों पहाड़ों के बीच में ही वाटरफॉल है। तो हमें नीचे जाना पड़ेगा और क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वहाँ से हम नीचे नहीं जा सकते, गाड़ी नीचे नहीं जा सकती है, तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली है और अभी हम 10-15 मिनट्स लगेंगे चलते चलते जाने में। तो चलिए चलते हैं। फिर इन पहाड़ों और पेड़ों के रास्ते से हम नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। आधे रास्ते में हम पहुंच चुके होते हैं कि हमें दिखाई देता है वाटरफॉल और इसे देखकर राहुल और नीलेश फिर से शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और बहुत जंगल जंगल का रास्ता है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ पल ऐसे ही चलने के बाद हम फाइनली वाटरफॉल तक पहुंच ही जाते हैं।
पानी में हम मस्ती कर ही रहे होते हैं कि हमें याद आता है राहुल कोई और भी प्लेसेस दिखाने वाला था और हम चल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं और जो सुबह हमें राहुल ने कमिट किया था कि कोई सीक्रेट प्लेस पे लेके जाएगा, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बारिश चलती रहती है और रास्ते पहले से भी स्लिपरी हो जाते हैं। राहुल और नीलेश इसे आसानी से चढ़ लेते हैं, बट कुछ पल के बाद मैं अकेली रह जाती हूँ और रास्तों का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ तो राहुल और नीलेश मेरा यहाँ पे इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्हें फिर से मिलने की खुशी में हम यहाँ पर एक एक चाय पी लेते हैं। राहुल का फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब भी यहाँ पर या फिर जुन्नर के किसी स्पॉट को विजिट करना चाहो तो राहुल आपकी एज अ गाइड हेल्प कर देगा। यहाँ से कुछ ही पल में हम पहुँच जाते हैं हमारे सीक्रेट प्लेसेस पे। तो अभी हम आ गए हैं वो दो सीक्रेट प्लेसेस विजिट करने जो राहुल ने सुबह हमें कमिट किया था। तो उसमें से एक प्लेस है दुर्गा माता मंदिर और दूसरा प्लेस है कोकनकड़ा। तो यहाँ से हम इन पेड़ों में से अंदर जाएंगे, जंगल में से अंदर जाएंगे तो बीचों बीच आपको दुर्गा माता मंदिर दिख जाता है और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो कोकनकड़ा मिलता है। तो पहले हम दुर्गा माता मंदिर जाएंगे, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। तो इस जंगल में से चलते चलते दिल में थोड़ा डर तो ज़रूर होता है, पर उससे भी कई ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इन प्लेसेस को देखने की। दुर्गा माता टेम्पल मॉनसून में पूरी तरह फॉग से ढका हुआ रहता है और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के बाहर बसे हुए ये पत्थर किसी ज़माने में राक्षस हुआ करते थे। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने दूसरे प्लेस की ओर। तो अभी हम अपने दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, दूसरे सीक्रेट प्लेस पे जो है कोकनकड़ा। और वहाँ पे ऐसा है कि पूरा व्यू नीचे का दिखाई देता है, गांव का पूरा व्यू दिखाई देता है और बहुत सारा फॉग होता है। तो अभी हम चलते हैं। जैसे ही हम कोकनकड़ा पहुँचते हैं, यहाँ का व्यू हमने इमेजिन किया था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अभी हम कोकनकड़ा आ गए और यहाँ का व्यू मतलब आई एम स्पीचलेस। मैं बोलने से अच्छा आपको दिखाई देती हूँ व्यू। हम इस व्यू को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे फॉग आ जाता है और पूरा व्यू गायब हो जाता है। मैं यहाँ पर अकेली आती तो शायद ही इन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाती। जुन्नर मेरा होम टाउन होकर भी मैं कभी इन प्लेसेस को विजिट नहीं कर पाई। शायद हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय।